नमस्कार। तो आज यहाँ पे हम पंजाब नेशनल बैंक स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो पंजाब नेशनल बैंक स्टॉक की बात की जाए तो 50.90 पे आज क्लोजिंग दिए पंजाब नेशनल बैंक स्टॉक ने। एक अच्छी मीन्स यहाँ पे मूवमेंट नजर नहीं आई स्टॉक के अंदर। आज थोड़े से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर नजर आ चुका है, 1% से ज्यादा गिरावट यहाँ पे देखने को मिले। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग न्यूज के ऊपर नजर डालेंगे कि कोई खास न्यूज है क्या रिगार्डिंग पंजाब नेशनल बैंक। तो देख सकते कि कोई खास अपडेट या न्यूज सामने नहीं आ रहे रिगार्डिंग पंजाब नेशनल बैंक स्टॉक। तो पंजाब नेशनल बैंक स्टॉक की बाकी की जो डिटेल है उसके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। तो देख सकते कि स्टॉक के अंदर जैसे ओपन हुआ है आज स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिले। स्टॉक टोटली यहाँ पे नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, पर 50 लेवल एक सपोर्टिव लेवल है पंजाब नेशनल बैंक स्टॉक के लिए। 50 लेवल के ऊपर सेटल होता है, स्टेबिलिटी दिखाता है, तो स्टॉक में रिवर्सल यहाँ पे देख सकते कि पुल बैक होने के चांसेस जो है ज्यादा नजर आ सकते हैं। तो देख सकते कि मार्केट क्या 56,000 करोड़ की है, पी रेशियो 30 का है और डिविडेंड यील्ड 1.26% का। पिछले 5 दिनों में स्टॉक के अंदर 2.83% की तेजी देखने को मिले। वॉल्यूम भी देखा जाए तो ट्रेडेड वॉल्यूम जो है 2,67,00,000 का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है। ट्रेडेड वैल्यू 13,700,00,000 की ट्रेडेड वैल्यू देखने को मिले। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजिशन भी देखे जाए तो 2,25,00,000 में से 68,00,000 क्वान्टिटी डिलीवरी के लिए जा चुके हैं, कुल मिला के 30%। चार्ट के ऊपर भी नजर डाली जाए तो आज थोड़ा सा बेरिश मूवमेंट नजर आई है स्टॉक के अंदर, पर इम्पोर्टेंटली 50 लेवल पे मंथली प्यूट है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लग सकता है मंथली प्यूट पे और उसी के ऊपर स्टेबल होता है स्टॉक, तो एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है बाइंग साइड में।